नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दिसंबर के महीने में राज्य सरकार की ओर से होने जा रहे राइजिंग राजस्थान समिट के तहत प्रदेश भर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट हो रही है। इसी क्रम में डीडवाना कुचामन जिले की इन्वेस्टर मीट का आयोजन डीडवाना में होगा। इस इन्वेस्टर मीट में देश विदेश के प्रवासियों और उद्योगपतियों से ज्यादा निवेश कराने के प्रयास जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन ने किए हैं। इन्वेस्टर मीट के संबंध में कुचामन SDM कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुनील चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कुचामन उपखंड क्षेत्र में विभिन्न प्रवासियों और उद्योगपतियों से संपर्क किया गया और उपखंड से 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश के MOU कल होने वाली इन्वेस्टर मीट में साइन होंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के प्रवासी व्यापारियों को निवेश का न्योता दिया गया है, साथ ही उद्योगपतियों से निवेश करने के लिए MOU करवाए जाएंगे। उप जिला कलेक्टर सुनील चौधरी ने बताया कि इन्वेस्टर मीट में प्रस्तावित निवेशकों के साथ MOU हस्ताक्षर होंगे, इससे जिले में रोजगार की संभावना बढ़ेगी, वहीं बाजार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुचामन सिटी जिला कलेक्टर ने जिले के प्रवासी व्यापारियों को निवेश का न्योता दिया। राजस्थान सरकार का एक जो महत्वाकांक्षी प्लान है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 राज्य स्तर पर 9-10-11 दिसंबर को आयोजित होगा। इस कड़ी में प्रत्येक जिले में इसका जो जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कड़ी में अपने डीडवाना कुचामन जिले का 22 तारीख को डीडवाना मुख्यालय पर होगा प्रोग्राम। अपने कुचामन उपखंड पे हम पिछले काफ़ी समय से इसके लिए नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले कर रखा है उनका एक्सपांशन के लिए उनसे टच में थे, उनको प्रेरित किया। एक रिको का नया इंडस्ट्रियल एरिया भी अलॉटमेंट हुआ है इन दिनों में, जिससे माहौल बना है और लगभग 422 करोड़ रुपए के MOUs हमें मिले हैं, जिसमें 61 उद्यमी रुचि ले रहे हैं। कल इनको हमने इनवाइट करा है जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। इनमें जो मुख्य हैं मारवाड़ फोर्ट एंड पैलेस प्राइवेट लिमिटेड, RKC हॉस्पिटेलिटी एंड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, माँ भारती शिक्षण संस्थान, नेमाराम बराला मेसर्स, कुछ जो लोग हैं 10-20 करोड़ से ऊपर के MOUs उन्होंने करे हैं। तो उम्मीद है कि इनको आगे आने वाले टाइम में धरातल पर उतारे। तो जिस तरह से 400 से ज़्यादा करोड़ का लोगों ने निवेश की बात की है, क्या उम्मीद लगाए हैं लोगों के रोजगार से संबंधित या क्षेत्र में विकास से रिलेटेड? जिस तरीके से लोग रुचि ले रहे हैं और कुचामन जैसे डेवलपिंग एक कस्बा है, तो अगर इस तरीके के इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ पर लग जाता है तो फिर इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, नो डाउट रोज़गार मिलेगा। कौन कौन से रोज़गार इसमें जो ज़्यादातर सर्विस इंडस्ट्रीज़ के हैं, मैं जो देख रहा था सेवा क्षेत्र के हैं, तो इसमें जो जैसे पर्यटन से संबंधित कोई टूरिज्म जो कोई रिजोर्ट या होटल या कोई हॉस्पिटल या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो ये सब लोग जो सर्विस इंडस्ट्री में लोग जो यहाँ पे जॉब सीख कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आगे आने वाले टाइम में इंडस्ट्री को ज़रूरत रहेगी हम लोगों को।